मैं ये कहना चाहूँ की भ्रष्ट सरकार को बढ़ाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, दोबारा से भारत को जिंदा बनाएंगे। कांग्रेस पार्टी आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। लगता है कि जैसे भारत की यात्रा एक साल पूरे हो गए उसके पश्चात जैसे कांग्रेस पार्टी में एक मजबूती हुई है उससे। हाँ बिल्कुल, राहुल जी की यात्रा के बाद जबरदस्त बदलाव आया है पूरे हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी। आने वाले समय में हरियाणा में सरकार खत्म होगी जिस हिसाब से अभी फिलहाल स्थिति है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में जो है सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री का चुनाव भी है पूरे भारत में, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में परिवर्तन कितना हो पाएगा? बड़ा भारी परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी रहेंडिया जाएगा और इंडिया आएगा रुकेगा। देखिए पिछले दिनों कांग्रेस भवन में पार्टी के अलग अलग नेताओं के नारे लगे, एकजुट होकर एक ही साथ लेकर चलने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये कब जाके खत्म होगा? ये दूसरे का पार्टी राज, नेताओं के लगाम छोटे नेताओं पे कब तक होगा? ये किसी का किसी पे लगाम नहीं है, सब नेता कार्यकर्ता इशार दिला के इकट्ठे हैं। इसकी नियुक्ति कब तक होने वाली है? जैसे कि एक तरह से यहाँ से 20 तारीख तक। भाजपा की सरकार ने इस देश में राज करने के लिए देश में नफरत के बीज बोए हैं। राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है और उसी के आधार पे तस्वीरों में जयप्रकाश जी है, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह है और बहुत सारे नेता है, माला अर्पण किया। हालांकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, इसलिए उनके चरणों में यहाँ पे फूल अर्पण करके इन्होंने एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे स्वागत किया। देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखी जाती है, वो गुटबाजी कब खत्म होगी? क्या लगता है चुनाव आने तक गुटबाजी खत्म होगी? ये कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें गुटबाजी नहीं होती हमेशा से। भाजपा दूसरी अन्य पार्टियों में कोई अपना विचार रख के दिखाए, अगले दिन उसको कोई काली बैठक होगा, कोई उसके पार्टी से निकाल देंगे। कांग्रेस है जो सभी को मान सम्मान देती है, सभी की बात सुनती है। इस भवन में एक तरह से भाईचारा दिख रहा था कांग्रेस पार्टियों का, अलग अलग नेताओं के नारे लगाए जा रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद वहाँ पे हो रहा था। क्या भाईचारा वो कायम है या आने वाले समय में परिवर्तन और होने वाला? आप सबसे बड़ी गलत बात आप ये कह रहे हो, नेता के अलग अलग नेताओं के सुनिए बात, आप ये तो तरीका नहीं होता ना, हमारे सीनियर नेता है सारे, किसी अगर नारे लग जाए तो बुरी बात है क्या? हमने भाजपा के नारे लगाए थे क्या, या जेजेपी के नारे लगाए थे? हमने कांग्रेस के नारे लगाए थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जी आज आए हुए थे, जगह जगह स्टेज छोड़ के चले गए, नारे लड़िया ही नहीं था। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता सभी मौजूद थे इसमें, और वहीं पे हिसार के 3 दिवसीय दौरे के ऊपर मुख्यमंत्री भी हैं। आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जहां गांव-गांव जाके अपनी योजनाएं बता रही है, लोगों की समस्या सुन रही है, वहीं पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी? देखिए अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। प्रभात कांग्रेस पार्टी के भारत जोड़ा यात्रा जैसे एक साल पूरे हुए उसके बाद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नेता और जो कि पूर्व विधायक के पूर्व मंत्री हैं, कई लोग कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता यहां पर दिखाई दे रहे हैं फिलहाल के आप देख रहे हैं तस्वीरों में, और यहां पे नारे लगाते और यहां से लेकर आगे तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल कांग्रेस भवन से ये निकल चुके हैं। रानी लक्ष्मीबाई चौक तक सुनने में आया कि ये लोग निकलेंगे और यहां पे आप देख रहे हैं तस्वीरों में कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाते हैं यहां से, ये देखने वाली बात है। आप देख रहे हैं तस्वीर फिलहाल सभी आगे जाने के हो रहे हैं, सबको आगे निकलने का हो रहे हैं। अगर बात करें तो कौन आगे निकल सकता है, इस तरह की तस्वीर यहां पे दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी में, और महिलाओं की संख्या भी अगर बात करें निरंतर कुछ महिलाएं इसमें दिखाई दे रही है, वही चेहरे आपको दिखाई देंगे कांग्रेस पार्टी में, निरंतर झंडा उठाए हुए कांग्रेस पार्टी के, जैसे यहाँ पर महिला की अगर बात करें तो फिलहाल आप देखिए एक दूसरे को धक्का देते हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे निकलने की होड़ है, और ये देखिए तस्वीरें आपके साथ इसी होड़ में सबसे पहले मीडिया में सबके चेहरे आए, मैं आगे जाऊंगा तो मेरी तस्वीर आएगी, इस तरह के होड़ में कांग्रेस पार्टी के नेता लगे हुए हैं। फिलहाल आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के एक तरह से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसके बाद एक साल पूरे होने थे, यहाँ यात्रा ये निकाली जा रही है। जब पार्टी बड़ी होती है तो हर नेता सोचता है कि मैं आगे निकलूं, मैं मेरी चौधरों मीडिया में मैं छपूं, उस तरह से यहाँ पे अगर तस्वीर देखे तो नेता कह रहे हैं कि आप पीछे आइए, गाड़ी के पीछे आइए, उसके बावजूद भी नहीं, सब एक से बढ़ के एक और को धक्का देते, दूसरे को धक्का देते आगे बढ़ते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। यहाँ पर फिलहाल की अगर तस्वीरों की बात करें तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ है महिलाओं से हम बात करेंगे, महिलाओं की जैसे की वर्गी मैम क्या कहेंगे आगे आ जाइए, क्या कहेंगे आज राहुल गांधी की जो यात्रा थी एक साल पूरे उसको लेकर? एक साल पूरा होने पर भारत देश की जनता ने राहुल गांधी जी को मुबारकबाद देती हूँ, जो उन्होंने भारत जोड़ने का काम किया, और आने वाले समय में भी दूसरे चरण की यात्रा शुरू होगी और उसमें भी हम भारत जोड़ने का काम करेंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कृष्णा दुग्गल कांग्रेस पार्टी की नेत्री, मैं ये कहना चाहूंगी इस भ्रष्ट सरकार को भगाएंगे, कांग्रेस पार्टी को लाएंगे, दोबारा से भारत को जिंदा बनाएंगे। आज एक साल हुए हैं राहुल गांधी ने भारत को यात्रा शुरू की थी, उसी की खुशी में आप लोग निकाल रहे हैं, क्या लगता है इस यात्रा का संदेश क्या है? आपको भारत कांग्रेस पार्टी आने वाली है, वो नफरत की दुकान खोली है राहुल गांधी जी ने। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी आने वाली है, बीजेपी जाने वाली है। यात्रा की अगर बात करें, महिलाओं की संख्या कम है, हमने महिलाओं को फोकस किया, महिलाओं से बात करेंगे, मैडम क्या कहेंगे राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा एक साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में आप लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं, क्या संदेश जाता है? भारत जोड़ने का संदेश जा रहा है, राहुल गांधी ने एक साल पहले दिया है, वही संदेश हम लोगों के बीच में बांटने जा रहे हैं भारत जोड़ने का। आपको लगता है कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा एक साल पूरे हो गए उसके पश्चात जैसे कांग्रेस पार्टी में एक मजबूती हुई है उससे? हाँ बिल्कुल, राहुल जी की यात्रा के बाद जबरदस्त बदलाव आए हैं पूरे हरियाणा के अंदर भी और देश के अंदर भी। जी, अभी हम और बात करेंगे, यहाँ पे जैसे जैसे लोग हैं उस हिसाब से अनिल मान जी भी यहाँ पर हैं। अनिल जी आप ही बताइए, जैसे मान साहब भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे हुए उस खुशी में यात्रा निकाल रहे हैं, कितनी मजबूती मिली उस यात्रा से कांग्रेस पार्टी को? देखिए, आप कुछ हजारों लोग जो आज सड़कों पर हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ है, राहुल गांधी जी ने यात्रा जो कही थी आज हमें सफलता को सरे आम जाकर आ रही है, और भारत जोड़ो यात्रा ने जो है आम जनता को ताकत दी है कि बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए, जो भी जो आम जनता जो बीजेपी से डर चुकी थी आज पूरी बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाने में सक्षम होगी जिस हिसाब से अभी फिलहाल स्थिति है? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में जो है सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनेगी। अभी हम बात करेंगे, जयप्रकाश जी यहाँ पर है, जयप्रकाश जी की अध्यक्ष सर नमस्कार। नमस्कार। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के एक साल पूरे हो गए उस समय आप लोगों ने प्रोग्राम किया, इसका क्या संदेश दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी? हम लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रास्ता दिखाया था 4,500 किलोमीटर पैदल चलते, आज उसी का एक नतीजा के पूरे देश में इंडिया की हवा बड़ी तेजी से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा योगदान है राहुल जी का है, जिन्होंने एक त्यागी और तपस्वी की तरह इस देश के लोगों को जोड़ने का काम किया, यानी कि नफरत की राजनीति खत्म करने का काम किया, प्यार और मोहब्बत की राजनीति की शुरुआत की। तो क्या लगता है आने वाले समय में एक चुनाव है, जैसे प्रदेश में भी उसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव भी है पूरे भारत में, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में परिवर्तन कितना हो पाएगा? भारी परिवर्तन, भारतीय जनता पार्टी रहेंडिया जाएगा और इंडिया आएगा, इंडिया आएगा, रुकेगा नहीं। इंडिया जो गठबंधन है उसका कितना फर्क पड़ने वाला है? बड़ा भारी। आज उसी के दृश्य को माननीय भारतीय प्रधानमंत्री की स्पेशल सेशन बुला करके जो रेगुलेशन की बात करते हैं, इंडिया की हवा जो तेजी से चली है उसी की वजह से सारा काम हुआ है। एक देश एक चुनाव की जो बात चल रही है उससे क्या लगता है कि अगर एक देश एक चुनाव हुआ तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी कहाँ पर खड़ी होगी? देखिए, एक देश एक चुनाव इन परिस्थितियों में असंभव, क्योंकि इसमें कम से कम 3 साल लगेंगे। आपको मालूम होगा कि कुरैशी जी देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, कुरैशी जी ने उस वक्त बयान दिया था जब मोदी जी ने अनुशंसा की थी, तो कुरैशी साहब ने कहा था कि बहुत समय लगेगा, कम से कम 3 साल लगेगा, ईवीएम से नहीं हो पाएगा, बैलेट से हो पाएगा, या तो फैसला करो हम बैलेट से चुनाव कराएंगे, वरना किस तरीके से हो जाएगा? 1999 में किसी को बहुमत नहीं मिला पार्लियामेंट में, अगर पार्लियामेंट गिर जाती है तो क्या सारी स्टेटें तोड़ोगे? और कोई स्टेट अलमत की होती है वो सरकार नहीं बना पाती तो स्टेट का क्या होगा? तो आपको क्या लगता है जैसे कि पिछले जो कांग्रेस भवन में पार्टी के अलग अलग नेताओं के नारे लगे, एकजुट होकर एक ही साथ लेकर चलने की कोशिश प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो अभी कामयाब नहीं हो पा रहे, तो ये कब जाके खत्म होगा? ये दूसरे का पार्टी राज नेताओं के लगाम छोटे नेताओं पे कब तक होगा? ये किसी का किसी पर लगाम नहीं है, सब नेता कार्यकर्ता इशार जिला के इकट्ठे हैं, नेता भी सारे इकट्ठे हैं, आपस में अपनी अपनी राजनीति सब करते हैं, ये कोई खास बात नहीं। आज कैथल में देखा कि सब लोगों ने माना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हजारों हजारों लोग कैथल इकट्ठे हुए थे। तो आपको क्या लगता है जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होने वाली है? जैसे कि एक तरह से यहाँ से 20 तारीख तक और बड़ी खबर है लगभग 20 तारीख तक जिला अध्यक्ष की नियुक्ति होने वाली है। जयप्रकाश जे भी पूर्व मंत्री केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उन्होंने एक जानकारी दी है, फिलहाल की अगर बात करें तो कांग्रेस भवन से लेकर रानी लक्ष्मीबाई चौक तक एक तरह से ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा निकल रही है, क्योंकि राहुल गांधी ने
भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उसके एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ से यात्रा कांग्रेस भवन से निकालकर एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई चौक के साथ साथ युवा नेता भी हमारे साथ है, मनोज माई का हमारे साथ है। मनोज जी क्या कहेंगे आज की यात्रा को लेकर? आज की यात्रा जो राहुल गांधी जी ने एक वर्ष पूर्व में यात्रा की थी भाई को भाई से जोड़ने की और पूरे देश को जोड़ने की, भारतीय जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, बड़ा शुभ दिन था आज का और मैं सभी देश और प्रदेश वासियों को बधाई देना चाहूंगा। जो जो साथी इस यात्रा के साक्षी रहे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जिनका सहयोग रहा इस यात्रा में, उनको मैं बधाई देता हूँ और एक संदेश देते हैं इस यात्रा के माध्यम से कि जो भाजपा की सरकार ने इस देश में राज करने के लिए देश में नफरत के बीज बोए हैं, राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली है और उसी के आधार पे आज हम देख रहे हैं इस यात्रा का पूरा जोश है। दूर तक देखेंगे लोग जुड़े हुए हैं, लाखों हजारों की तादाद में हम लोग मौजूद हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली थी राहुल गांधी ने, उसका बेनिफिट हुआ है, फायदा हुआ है, वो कह रहे हैं कि उसी यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने शुरुआत की, कांग्रेस एकजुट हो रही है, कांग्रेस ने एक तरह से जोश भर दिया है। राहुल गांधी जी ने नफरत की दुकान बंद करके प्यार की दुकान, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात, इस तरह की बातें ये कर रही है कि आप फिलहाल हम लोग हैं फुहारा चौक के यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई चौक पे और यहाँ पे निरंतर आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता नेता सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस भवन से लेके रानी लक्ष्मीबाई चौक तक यहाँ पहुंचे हैं, रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर यहाँ माला अर्पण करने के लिए जैसे कांग्रेस के कई नेता कई कार्यकर्ता यहाँ पर एक तरह से फूल मालाओं के साथ यहाँ पे माला अर्पण करने के लिए पहुंचे हैं। और एक तरह से अभी बात करें तो जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उनके साथ बहुत सारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद है, हमने बातचीत भी की। फिलहाल ये रानी लक्ष्मीबाई चौक पे पहुंचकर माला अर्पण करने के पूरे प्रयास में है और यहाँ पे हालांकि गेट बंद है, किस तरह से ये लोग ऊपर तक माला पहुंचाएंगे देखने वाली बात होगी। देखिए फिलहाल आप देख रहे हैं तस्वीरों में जयप्रकाश जी है, पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह है और बहुत सारे नेता है, माला अर्पण किया। हालांकि ऊपर चढ़ने की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, इसलिए उनके चरणों में यहाँ पे फूल अर्पण करके इन्होंने एक तरह से रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे एक तरह से स्वागत किया और उनको एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की। आप देख रहे हैं तस्वीरों में अभी हमारे साथ है वीर सिंह ख्यालिया, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या कहेंगे आज यात्रा को लेके, इस यात्रा को एक साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया यात्रा? हेलो ये एक साल के उपरांत जो राहुल गांधी जी की यात्रा थी उसका सालगिरह मना रहे हैं हम लोग नहीं, पूरा देश ही मना रहा है और पूरे देश में एक जो जिसको जननायक कहते हैं, जननायक बनकर उतरे हैं इस यात्रा से राहुल गांधी जी। तो जैसे कि आपने कहा कि जननायक है जैसे कहते हैं, उस हिसाब से जननायक बने राहुल गांधी जी, इस यात्रा जैसे शुरू हुई उसके बाद कांग्रेस पार्टी को कितनी मजबूती मिली है भारत देश में? आपके सामने है एक ही विधानसभा चुनाव है, उसके बाद ये अपना जो कर्नाटक है एक तरफा बिल्कुल क्लीन स्वीप करवा दिया भाजपा का। तो हाँ कई बार ना देखा जाता है कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी देखी जाती है, वो गुटबाजी कब खत्म होगी, क्या लगता है चुनाव आने तक गुटबाजी खत्म होगी? ये कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है, इसमें गुटबाजी नहीं होती, हमेशा से ही अपने अपने विचार रखने की आजादी है। आज भाजपा दूसरी अन्य पार्टियों में कोई अपना विचार रख के दिखाए, अगले दिन उसको कोई काली बैठक होगा, कोई उसके पार्टी से निकाल देंगे। कांग्रेस है जो सभी को मान सम्मान देती है, सभी की बात सुनती है, मतलब आजादी है अपना विचार रखने का सबको हक है। हाँ अपने विचार कोई रख सकता है, आजाद मतलब की एक आजाद देश की आजाद पार्टी कहे तो कांग्रेस पार्टी। फिलहाल हमारे साथ है डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है, तो सब क्या कहेंगे आज की यात्रा, क्या संदेश दे रही है? आज की यात्रा ये संदेश दे रही है जो राहुल गांधी जी ने पिछले वर्ष इसी दिन 7 तारीख को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, आज उसकी हम वर्षगांठ मना रहे हैं और एक संदेश ये दे रहे हैं कि नफरत की राजनीति को छोड़ना है और मोहब्बत की राजनीति, प्यार की, भाईचारे की, अमन चैन की राजनीति की शुरुआत पिछले साल ही कर दी थी राहुल जी ने और उसको हम सभी साथी कांग्रेस जन मिलकर के आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस भवन में एक तरह से भाईचारा दिख रहा था कांग्रेस पार्टियों का, अलग अलग नेताओं के नारे लगाए जा रहे थे, मुर्दाबाद जिंदाबाद वहाँ पे हो रहा था, क्या भाईचारा वो कायम है या आने वाले समय में परिवर्तन और होने? आप सबसे बड़ी गलत बात आप ये कह रहे हो कि मैं भाईचारा कायम है, भाईचारा पहले भी था और वह किसी भी आदमी के मुर्दाबाद के नारे नहीं लगे, केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और नेताओं के जिंदाबाद के नारे लगे थे। नेताओं में नेता के अलग अलग नेताओं के सुनिए बात, आप ये तो तरीका नहीं होता ना, हमारे सीनियर नेता है सारे, किसी अगर नारे लग जाए तो बुरी बात है क्या? हमने भाजपा के नारे लगाए थे क्या, या जेजेपी के नारे लगाए थे? हमने कांग्रेस के नारे लगाए थे, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और कांग्रेस के नेताओं के नारे लगे थे। आप लोगों को पता नहीं क्या ये तरीका है, अलग अलग नेताओं के नारे लगे, हमारी पार्टी बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में सभी सीनियर नेता नारे लगे तो बुरी बात थोड़ी है, अपना विचार सुनिए।
मुख्यमंत्री जी आज आए हुए थे, जगह जगह स्टेज छोड़ के चले गए, नारे लड़िया ही नहीं था। जब पार्टी में दम होता है, जब पार्टी सत्ता की तरफ अग्रसर होती है तो कार्यकर्ताओं में जोश होता है और उसी जोश के तहत हमारे ऐसा भी होता है होश को बैठते हैं, कोई होश नहीं खोता। आप आने वाले देखा कितने साथी, हजारों साथी आज इस यात्रा में शामिल हुए हैं और ये सिर्फ एक दंत कथा बना रखी है सभी साथियों ने। फूट है, अरे भाई क्या फूट है, हम सभी बात तो कांग्रेस ही करते हैं ना, कांग्रेस के खिलाफ बोलते हैं क्या? नहीं बोलता ना, तो फूट क्या है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस एक है, कांग्रेस एक है, जिंदाबाद है, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जी आज जो यात्रा निकली है उससे क्या संदेश देता है समाज में? कांग्रेस पार्टी में तो दे ही रहा है, एक साल पूरे हुए है राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी भारत जोड़ो, उसके उपलक्ष्य में आपने निकाला है, तो ये भीड़ को देखकर लोग क्या इसका मायना लगाएं? देखिए, जो एक साल पहले राहुल जी ने यात्रा शुरू करी थी पैदल यात्रा, इन्होंने अखबारों में मीडिया में नफरत का माहौल पैदा कर दिया था, उसको दूर करने के लिए राहुल जी 4000 किलोमीटर चले, आपको पता है, और आज एक साल पूरा हो गया, उस उपलक्ष्य में हम जो है हर साल मनाएंगे ये यात्रा का स्थापना दिवस। तो जैसे यात्रा का स्थापना दिवस हर साल आप लोग मनाएंगे, समाज में किस तरह का संदेश गया हुआ? समाज में जो राहुल की छवि थी वो निखर के आई है, राहुल की छवि निखर के आई है और समाज में संदेश गया है कि वो सभ्य लोग हैं, ये कांग्रेस अच्छी पार्टी है, हुड्डा साहब का, उदय बान जी का, दीपेंद्र जी का बहुत अच्छा संदेश गया है। तो जैसे आज अगर बात करें कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ता नेता सभी मौजूद थे इसमें और वहीं पे हिसार के 3 दिवसीय दौरे के ऊपर मुख्यमंत्री भी हैं, आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जहां गांव-गांव जाके अपनी योजनाएं बता रही है, लोगों की समस्या सुन रही है, वहीं पर आप लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी? देखिए, अब लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, कोई बात भारतीय जनता पार्टी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं लोग। और आपने देखा होगा आज का अजून, अब मतलब चल पड़ी आंधी कांग्रेस की और इसमें हुड्डा साहब के नेतृत्व में लोग, उदय भान जी के नेतृत्व में बहुत आगे चल रहे हैं, आप सोच नहीं सकते, हो सकता है सीट 75 से आ जाए।